छोट कर हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम पूनम महंत है, मैं शबनम महंत की चेला हूँ। यहाँ जट्टा वाले चौतरे में हमारा मकान है, जो कि सिमरन ने एक साल पहले 3 करोड़ रुपए में अपना इलाका, जमीन, जायदाद सब कुछ हमारे आगे बेच रखी है, शबनम महंत के आगे। और हमारे आगे उस मकान में कब्जा हमारा है, मालिक हम है, कागज पत्र हमारे पास हैं, सारे प्रूफ हमारे पास हैं। और उसके अलावा आज उसने कम से कम भी 100-150 गुंडा लेके वो हमारे डेरे में तोड़फन करी, हमें मार दिया, जान से मार दिया, और हमारे अलमारियों के ताले तोड़ दिए हैं। और हमारे ये देखो क्या हाल करा, बदमाश लेके घुसी है, बदमाश लेके। यहाँ पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन में बैठी हूँ मैं 1 घंटे से, मैंने कहा है पुलिस वाले चलो मेरे डेरे पे चलो, वहाँ अभी भी बदमाश बैठे हैं डेरे में। और वो जो सिमरन है जिसने हमें इलाका बेचा था, वो गुंडे लेके आई है, और एक सिम्मी है वो जो कि सिम्मी वहाँ से आई है, नाभा से सिम्मी है, नाभे वाला है, और सिम्मी है, सिमरन है, और भी विक्की विक्की खाबड़ी है, और भी कई जने हैं, और बदमाश बदमाश लेके घुसी है वो डेरे में, हमारे पे हमला कर दिया, हमारा सोना चांदी, हमारा सोना चांदी सब कुछ छीना है उसने। और हमारे डेरे पे अभी भी पुलिस पोस्ट बैठी है, लेकिन पुलिस के सामने बदमाश वहीं बैठे हैं। पुलिस क्या कर रही है, पटियाले की पुलिस, पटियाले में क्या महकमे में दम नहीं है, बदमाशों से डर के रहती है। बीते दिन कुछ महीने पहले थोड़े नाल ही कुछ कंपर हो गया सी डेरे पे, फिर हुण की हो गया एकदम वापस आ गया। वो डेरा हमारे हमारे रिटर्न में है, हमारे पे लिखा है, कागज है कोर्ट कचहरी के, लिख के दिया सिमरन ने 3 करोड़ रुपए में बेचा उसने 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था, वो बेच के गई है हमें इलाका भी, और वो मकान भी, सामने का प्लॉट भी, सब कुछ बेच के। और अब गुंडागर्दी पे आ गई है, वो बदमाश लेके घुस गई है मेरे डेरे में, जबरदस्ती कब्जा करना चाह रही है। वो कब्जा तो मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं मालिक हूँ, मैं पैसा दिया उसे, और मेरे पे सारे प्रूफ हैं, वीडियो पड़ी है सी थाने की, जो कि सिमरन बोल रही है कि मैंने अंबाले वालों को दे चुकी हूँ इलाका, जो मेरा हक्का कुक था, जो उसे हक्का कुक मिला हुआ था, वो सब हमारे पे रिटर्न है, और हमारे पे कागज है, पत्थर है, हम एरिया के भी मालिक है, उस डेरे के भी मालिक है, जट्टा वाले चौतरे के। और पहले कहाँ रहते थे, पटियाला में रहते थे, पटियाले में रहते हैं हम हमारी चीफ गद्दी है अंबाला शबनम महंत की, और मैं उनका चेला हूँ, उनकी देखभाल में ही करती हूँ एरियो की, चेलों की। आज कम से कम भी 100-125 गुंडा, 100-150 गुंडा हमारे डेरे में हमला कर लिया, तलवारा लेके आए, बदमाशियां करी। ये देखो ये मेरा गोड्डा तोड़ दिया, ये मेरे चेले की बाजू तोड़ दी है, और सोना छीन लिया कितने हिजड़ों का। अभी भी मौके पे बदमाश बैठे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्या पुलिस प्रशासन की आंखें नहीं है देखने को, हिजड़ों को मरवाएंगे, किन्नरों को मरवाएंगे, इतने पैसे खा लिए पुलिस प्प्रशासन ने, कितने खा लिए होंगे, 10 लाख 20 लाख, हम दे रहे 50 लाख दे रहे हैं, इतनी गुंडागर्दी काय की है उनका, एक मिनट, पुलिस प्रशासन को ये होना चाहिए, बदमाशों को तो पकड़े, बदमाशों को पकड़े, सिमरन को पकड़े, सिम्मी को पकड़े, जिन्होंने हमारे पे हमला करा, अटैक करा, अचानक अटैक करा। मेरे बुजुर्गों का ही पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे बुजुर्गों का डेरा चलता रहे, मैं हर साल उन्हें जगराते करानी है, हरेक सोशल वर्क भी मैं आँदी जानी है, करती हूँ सारा कुछ, जिम्मे जिम्मे मैं लगता शहर च महसूस होता, मैं हर जगह हरेक लोगों के नाल खड़ी हूँ, कोई यह जी गल नहीं है। ये बड़े गंदे बंदे ने, इन्होंने बिना मतलब तो मेरे डेरे को हथियार की कोशिश की, और इतने धक्का करते मेरे डेरे के बच्चे आके, अज असं उन्होंने डेरे के पढ़ाने तो जो मना किया, इन्होंने साडे नाल हथों पाई की, मैंने कहने हमने तो कागज तैयार करवा ले, अब तो जो मर्जी कर ले, जो करना कर ले, भी हमारी चलेगी, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है। तुसी कोई कंप्लेंट की थी पुलिस में? हाँ जी, मैंने पुलिस दे विच भी कंप्लेंट की थी, और अपना मैंने कोर्ट दे विच भी केस फाइल किया हुआ है, लेकिन ये मेरे नाल पहला भी एवं लड़ाइया करते बड़िया बड़िया, हुण भी इन्होंने एवं की।
एक सिमरन है, सिमी है, सपना है, के नाम बता। ते गुरी, गुरी मेन मुखी है, सारे वो मुंडे उनका नाम जानते हैं, गुरी रियान गुरी, ते ये सारे जने है मेरे। जसलीन चेला दसूगा, दस कोई ऐसा फैसला नहीं सीगा मेरे, वह किसी होर गलबात दा साढ़े फैसले होंदे रहिंदे ने। किन्नरा दा इन्होंने वीडियोज़ दे विच क्लिपां नूं पता नहीं किवें बना के इन्होंने मेक करके किसी तरीके नाल इन्होंने वह वायरल करवातियां, यह जी कोई गल नहीं। और इन्होंने पहला भी जजां नूं बयान दिते ने कि ऐसे सिमरन ने सानूं कोई इलाका नहीं बेचा, कोई कुछ नहीं किया। इन्होंने सारियां स्टेटमेंट्स पुलिस कोल इनवैसटीगेशन कर रही है, पुलिस भी और अफसर भी इनवैसटीगेशन कर रहे हैं, जी कोई गल नहीं। बुजुर्गां ने मेरे बार कबरां ने बुजुर्गां दी मैं इन्हां नूं मत्था टेकण आनी हुंदी आ। आई ते इन्हां नाल मेरे नाल कुटमार करन शुरू करती। पहले मेरे मैथां च मेरी गड्डी पिछे सी, मेरे चेलिया दी अगे सी, इन्हां ने मेरे चेलिया दे सट्टां मारियां बहुत ज्यादा, मेरे सट्टा चेलिया नूं बहुत ज्यादा इन्हां ने मारिया और अपना चेले मेरे असं दाखिल कराए ने। बाकी मैं हजे खबर आई हुई, इन्होंने मेरे से बहुत बड़ा अटैक कराया। अज इन्होंने एक गड्डी दो गड्डिया बौंसरा दी, बड़े बड़े तकड़े तकड़े मुंडे से बौंसरा दे मंगाए हुए थे इन्होंने, पूनम ने इन्होंने हमला किया। हाँ इन्होंने हमला फिर कैमरे वगैरह लगे हो, कोई कैमरे वीडियो वगैरह भी सामने आई हो रही। इस बारे तो मैं पता नहीं है हजे, क्योंकि कैमरे की वीडियो किसी ने बनाई होगी भाई, देख लियो तुम अपना। पटियाला एक पासे तो सानू समाज में बड़ा रब का दर्जा दिता जाता कि जो मंत लोग ने इन्हां दीआं दुआवां लैके ना कि सारे काम कारज रास हो जाते हैं। अज उही मंतां दा यह हाल होया कि इत्थे साडी पंजाब पुलिस आ लाणत है जी पंजाब पुलिस ते, जिहनूं असीं घंटा हो गया असीं पटियाले दे विच थाणे दे विच कोतवाली तो एक घंटे तो बैठे हैं, मेरे गुरु जी का सिर पाड़ता, उन्हां दी बांह तोड़ती और उत्थे भी जिहड़े चार मुलाजम इन्हां ने भेजे ओह आराम ते बैठे ने ते गुंडियां ने साडे डेरे ते कब्जा कीता होया मंतां दे ते। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਬੀਬੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਤੀ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਤੀ, ਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ, ਸਿਮਰਨ ਉਰਫ ਗਗਨਦੀਪ, ਹਾਂ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਚ ਵੇਚ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਕਰਤੀ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠੇ ਸਾਈਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, 4 ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਭਰ ਕੇ पटियाले का जो हमने हलका और एरिया और जो मकान जमीन जायदाद सिमरन ने हमें बेची है लिखत में बेची है, वो ना आज छड़े ना हम छड़े कल, जान जाती है तो जाए, पुलिस महकमा साथ नहीं देगा तो क्या होगा, दुनिया तो साथ देगी। पुलिस महकमे से यही चाहती हूँ जो एसपी डीएसपी है यहाँ के बनती कार्रवाई करे और उन्हें अंदर करें, जेल में करें। नहीं एक मिनट जो कोई पुलिस ने हथो पाई कर दिता फिर पंजाब पुलिस से किन्ने मुलाजम उतरे आते हैं ना, इन्ना कुछ हो जाता है। हूँ असं इतने घंटा हो गया बैठे कि 100 मुलाजम भी नहीं पंजाब पुलिस को है, इस टाइम पटियाला पुलिस पटियाला 100 मुलाजम भी नहीं है, कल तो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, कल किसी को भी मारिया जा सकता है, किसी का भी बच्चा किडनैप कराया जा सकता है, क्यों इन्हें क्यों कर रहे हैं, ये बनती कार्रवाई करी जाए। इंसाफ दिता जाए।